और आज देखिए यार कितना भयंकर कोहरा लगा है। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि सावन का महीना शुरू हो गया है। ये अभी खाना खाते हैं और देखते हैं आज खाने में क्या बना है। कुल भाई हेलो तो कर दो यार। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग यार। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत पहाड़ों से। और आज देखिए यार कितना भयंकर कोहरा लगा है। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि सावन का महीना शुरू हो गया है, देख सकते हो। और ये देख सकते सामने तो कुछ मतलब जो हल्का सा पहाड़ यहाँ पर दिख रहा है, और देख सकते हो कुछ नहीं दिख रहा है। और देखिए हल्की फुल्की धूप भी आई है, तो अभी चलते हैं गांव की तरफ और देखते हैं दोस्तों जो आज का जो हमारी दिनचर्या है और ब्लॉग किस प्रकार से बन पाता है। तो अभी देखिए यार दोस्तों, जो सभी लोग जा रखे हैं अपने अपने कामों को निपटाने में, तो अभी देखिए यार जो दरवाजे भी बंद हो रखे हैं, ये देख लो। बारिश के कारण देखिए यार जो पूरी जो ग्राउंड की मिट्टी थी वो पूरी बैठ चुकी है, देख सकते हो। और अब 2-3 दिन के लिए जो धूल नहीं उड़ेगी। और अभी मैं आया हूँ इस जगह पर और यहाँ से देखिए आप सामने हरे भरे खेत जिनमें कि आजकल जो गेहूँ की फसल हो रखी है। और इस साइड देखिए पूरा कोहरा लगा है, देख सकते हो। और हल्की फुल्की धूप भी आई है और मौसम भी देख सकते कुछ इस प्रकार से हो रखा है अभी का। गांव में लगभग 80 से 90% घर पूरे जो इस प्रकार से हैं, जो पुराने घर हैं वो सारे इस प्रकार से हैं। और जो 5-10% जो घर हैं वो लेंटर वाले हैं, क्योंकि पहले हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती थी, तो उससे जो पानी नहीं रुकता था, तो उससे भी हाँ हमारे जो गांव में लेंटर वाले घर उतने ज़्यादा सक्षम नहीं हैं। जैसे कोई कोई घर होगा इसमें देख सकते हो यार यहाँ पर पानी रुका है, यहाँ पर पानी रुका है। और इस साइड भी देख सकते हो पूरे जो पत्थर वाले घर हैं सारे देख सकते हो। सुबह से तो काफ़ी ज़्यादा बारिश आ रही थी और अभी देख सकते हो थोड़ा सा धूप आई, तो लोगों ने देखिए यार सारे जो कपड़े हैं वो सुखाने के लिए बाहर निकाल दिए हैं। और सुबह तो सामने का जो पहाड़ पूरे क्लियर दिख रहे थे, तो वहाँ पर बर्फबारी हुई थी, पर अभी देख सकते हो कोहरे के कारण नहीं दिख रहा है। जब ये पूरा कोहरा हट जाएगा तो आप लोगों को अच्छे से जो सामने का जो पहाड़ों पे जो बर्फबारी गिरी है वो अच्छे से दिखाते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर में और अभी देखिए यार कितनी मस्त तरीके से धूप आ चुकी है, ये देख सकते हो। और मौसम भी अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा खुल चुका है, और जो कल हमने टोकरी बनाई थी तो ये रिंगाल बच चुका है, तो ये फेंकने के लिए इसको भी ले जाएंगे। तो चलिए यार पहले नहाते हैं और फिर उसके बाद कपड़े धोने हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अभी नहा के रेडी हो चुके हैं और अभी देखिए यार जो सामने ऐसे नज़ारे हैं और पूरे कपड़े भी हमने धो लिए हैं। तो चलिए अभी खाना खाते हैं और देखते हैं आज खाने में क्या बना है। तो चलिए यार दोस्तों अभी खाना खाते हैं और खाने में है आज दाल और राजमे की दाल, दही और अचार। तो चलिए अभी खाना खाते हैं इस खूबसूरत मौसम के साथ, तब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी हो चुका है शाम का समय और अभी यार हम चलते हैं गौशाला की तरफ, देखते हैं गौशाला के काम निपटाते हैं थोड़ा बहुत। और ये देख सकते हो भी, और देख सकते हो सभी यार सभी लोग यार हैं खेतों से घास लेकर घर की तरफ। तो अभी यार दोस्तों मैं जा रहा हूँ रोड साइड, क्योंकि जो लू भाई लोग हैं घर आ रखे हैं दून से, और यहाँ पर यार पता नहीं किस टाइम फटा है, बहुत बेकार लग रहा है। अभी मैं तो जल्दी जल्दी मार गया, तो मैं तो अभी देख रास्ते में, तो चलिए अभी चलते हैं सीधा रोड पे, तब मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों यार अभी मिल चुके हैं लू भाई लोग और यहाँ से देखिए यार कितनी बढ़िया लग रही है पूरी खंसर वैली। और ये नीचे है तल्ला गाँव और ये देख सकते हो ये आए थे ऊपर लेने के। तो दोस्तों यार अभी हम पहुंच चुके हैं रोड पे और ये अपने कुल्लू भाई, दोनों का नाम कुल्लू है, और ये इनकी स्कूटी है जो कि जो ये कुल्लू भाई आ रखे हैं दून से। कुल्लू भाई हेलो तो कर दो यार। तो अभी यार मैं आ चुका हूँ वहाँ से और अभी देखिए हल्की फुल्की बूंदाबांदी बारिश शुरू हो गई है।
तो मैं वहाँ से भाग भाग के आया। तो चलिए सीधा चलते हैं घर में और करते हैं दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। मिलते हैं आप सभी से एक और नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।